दोस्तों, अगर आपने हैमस्टर कॉम्पैक्ट पे काम किया है, करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो ये वीडियो आप गौर से सुनना, बहुत ज़्यादा गौर से सुनना, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने बहुत मेहनत की है। होगा क्या, आने वाले दिनों में हैमस्टर कॉम्पैक्ट बड़े सारे यूट्यूबर को जेब भर भर के पैसा देगा और फिर आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह से हैमस्टर कॉम्पैक्ट की हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पे दो तीन कैटेगरीज के लोग बन जाएंगे, एक जो हैमस्टर के खिलाफ होंगे, दूसरे जो हैमस्टर के साथ होंगे। मैं आपके साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद फैसला आप खुद कर लेना कि वाई वी हैव टू बायकॉट हैमस्टर कॉम्पैक्ट और हमें क्यों सीजन टू बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं यूट्यूबर हूं, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, जो बात करूंगा प्रूफ के साथ बात करूंगा। पहली बात दोस्तों, पहली वजह जिसकी वजह से हमने हैमस्टर कॉम्पैक्ट के साथ काम नहीं करना, हमने सीजन टू पे काम नहीं करना, वो मैं आपको जनरली दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने हैमस्टर कॉम्पैक्ट ओपन है और यहाँ पर मैं आता हूँ दोस्तों इसके मेन स्क्रीन पर, यहाँ पे अर्न के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ हमारे पास टोटल 6-7 फीचर हैं। पहला, वो कहता है मेरी यूट्यूब की वीडियो देखो तो आपको एक डायमंड मिलेगा, फिर दूसरी वीडियो देखो दूसरा डायमंड मिलेगा, और उसके बाद मुझे फेसबुक पे फॉलो करो फिर आपको एक डायमंड मिलेगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो एक डायमंड मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर फाइनल करो एक डायमंड मिलेगा, ट्विटर पे मुझे फॉलो करो एक डायमंड मिलेगा। उसके बाद असल कहानी शुरू होती है, एक फ्रेंड को लेके आओ तो आपको एक डायमंड, तीन को लेके आओ तो 3 डायमंड, 7 को लेके आओ तो 8 डायमंड, 10 को लेके आओ तो 12 डायमंड, 25 को लेके आओ तो 35 डायमंड। मतलब जैसे जैसे आप रेफरल को लेके आओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता जाएगा। इसका मतलब यह है कि हैमस्टर जो है वो प्लेयर्स के लिए नहीं है, वो तो उस बंदे के लिए है जो ज्यादा से ज्यादा रेफरल लेके आता है, और यही स्ट्रेटजी हैमस्टर कॉम्पैक्ट ने सीजन 1 में रखी थी। अब आप ही फैसला कीजिए, ये मेरे सामने जनाब टोकन्स हैं 31,932, इन साहब को जो 31,932 टोकन मिले हैं उनमें से सिर्फ इन्विटेशन के 30,000 टोकन्स हैं, बाकी सारे एक साइड पे 30,000 टोकन रेफरल्स के हैं। इसका मतलब ये है कि सीजन 1 में हैमस्टर कॉम्पैक्ट ने इसी बात पे जोर रखा कि जो रेफरल लेके आएगा उसी को ज़्यादा यहाँ पे इनाम मिलेगा, उसी को रिवार्ड मिलेगा, और सीजन 2 में भी यही कर रहा है। इस वजह से आम इंसान इतने रेफरल नहीं लेके आ सकता, इतने रेफरल एक इन्फ्लुएंसर ही लेके आ सकता है, यूट्यूबर ही लेके आ सकता है, तो ये आम प्लेयर के लिए नहीं है। इसलिए हम हैमस्टर का बायकॉट करते हैं, 26 के बाद हैमस्टर को नहीं यूज करेंगे, सीजन 2 नहीं खेलेंगे। और उसके बाद दूसरी वजह आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। दूसरी वजह दोस्तों, आपके सामने लाइव शेयर करता हूं, हैमस्टर कॉम्पैक्ट की एक नई अपडेट आई है। इसमें हैमस्टर कॉम्पैक्ट ने कहा है कि हम जो है 75% देंगे कम्युनिटी को, और उसमें से जो 11% देंगे हम लिस्टिंग के बाद सीजन 2 में। आप खुद सोचें, जो बॉट अपने 75% में कुछ नहीं दे रहा, किसी को 100 टोकन, किसी को 200 टोकन, किसी को 500 टोकन, 75% के साथ वो 11% के साथ क्या देगा? जिसने 75% में कुछ नहीं दिया उसने 11% में क्या देना है? इसका मतलब यह है कि सीजन 2 में हमें इससे कोई बड़ी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम हैमस्टर कॉम्पैक्ट का बायकॉट करते हैं, नो मोर सीजन 2। ये दूसरी बड़ी वजह है। अब आपको तीसरी बड़ी वजह बताता हूं, हैमस्टर कॉम्पैक्ट ने क्या किया, 100 यूजर का समझ नहीं आया कहां पे गया। यहां पे देखो कैलकुलेशन क्या दिया है, कैलकुलेशन दिया है मेरे पास 300 मिलियन यूजर थे, 131 मिलियन को मैंने एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई कर दिया, उसमें से 2 मिलियन ने यहाँ पे क्या किया कि चीटर के तौर पे डिक्लेयर कर दिया, अच्छी बात है, तो बताइए बाकी कहाँ पे गए? 131 मिलियन को क्वालिफाई किया, 2 मिलियन चीटर के तौर पे गए,
30 मिलियन को तुमने इसलिए निकाल दिया कि उनको एड्रेस नहीं लगा था, बाकी 100 मिलियन कहाँ पे गया? इसका मतलब ये है कि हैमस्टर कॉम्बैट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके यूज़र आते हैं कि नहीं आते। जब हमारी वैल्यू कोई नहीं तो हम क्यों हैमस्टर कॉम्बैट पे काम करें? हम हैमस्टर कॉम्बैट पे काम नहीं करेंगे। सीज़न 2 बिल्कुल ज़ीरो, नो मोर सीज़न 2। ये तीसरी वजह थी। अब चौथी वजह सुनिएगा। चौथी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये समझते थे कि हैमस्टर कॉम्बैट 100 बिलियन टोकन लेके आएगा, बड़ा मार्केट कैप लेके आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप देगा, तो इसकी एवरेज प्राइस कम से कम 0.1 तो होगी। बट यहाँ पे उसने क्या कहा है, आपको याद होगा कि बाइनांस पे था कि हम इस वक्त 3% देंगे, और 3% मतलब 3 बिलियन देंगे, और 3 बिलियन में से भी सिर्फ 75% देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हम सोच रहे थे 100 बिलियन मार्केट कैप मार्केट में लेके आएगा, वैसा नहीं है। हम इसकी प्राइस सोच रहे थे 0.1, 0.5 या 0.01, बट ऐसा नहीं होगा। चूँकि अब यहाँ पे प्राइस बिल्कुल माइनर सी है, तो हमारे पास जो 100, 200, 500 टोकन हैं उनके 10, 20, 50 डॉलर बनेंगे, तो हम क्या करेंगे 10, 20, 50 डॉलर्स का? हमने तो इतनी मेहनत की है, चलें ये जितने भी आते हैं ये तो विड्रॉ करते हैं, बट इन फ्यूचर नो मोर सीज़न 2। हम सीज़न 2 में हैमस्टर पे काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर करना हुआ तो बताता हूँ। नंबर 5 पे दोस्तों, यहाँ पे बाइनांस ने अपना बॉट लॉन्च किया है मोनबिक्स के नाम से, हम उस पे काम करेंगे। हमें उसके लेटर भी आ चुके हैं कि बाइनांस ने ऑफिशियली इसको अक्लेम किया है कि ये हमारा बॉट है, आप इस पे काम कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर ये बाइनांस का है तो लाजमी बात है अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा एयरड्रॉप देगा। चलिए मैं इसकी लाखों की बात तो नहीं करता, बट चूँकि बाइनांस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसकी अपनी प्रोडक्ट है, तो कम अज़ कम ये हैमस्टर कॉम्बैट से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी है और ज़्यादा एयरड्रॉप भी दे सकता है। तो मज़ीद इस पर रिसर्च करके हम इस पर काम कर सकते हैं, बट हम हैमस्टर कॉम्बैट पर काम नहीं करेंगे। जो बातें मैंने आपसे कहीं, लॉजिकली कहीं, इमोशनल हो के नहीं कही मैंने, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बात कर लें, अगर गलत साबित हुई तो मैं दोस्तों यूट्यूब छोड़ दूंगा। जब तक मुझे जो ठीक लगा मैंने बात की, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मैं क्यों आपसे कहूं कि नहीं आओ हैमस्टर कॉम्बैट पे काम करते हैं, आओ हैमस्टर कॉम्बैट पे काम करते हैं, क्यों करें हम काम? आप लोग यहाँ पर टाइम देते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर, तो आपका टाइम कीमती है और उससे कहीं ज़्यादा आपका ट्रस्ट कीमती है। अभी मुझे टीम मेंबर बता रहे थे, सर एक कंपनी $500 स्टार्ट की ऑफर लेके आई है, $1,000 तक भी वो दे सकती है अगर आप उसकी प्रमोशन करें, बट उसमें क्या है कि आपको उसमें ट्रेडिंग करना पड़ेगी, पहले पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बाद में वो खुद ट्रेडिंग करेगी और आपको सिग्नल देगी, आपको पैसा कमा के देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही कंपनी आपको पैसा कमा के देती जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमने उसको इनकार कर दिया। इसलिए दोस्तों जो भी आपके सामने वीडियो बनाते हैं पूरी ट्रस्ट के साथ बनाते हैं, एथेंटिसिटी के साथ बनाते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। मैंने आपको एक PKR वॉलेट के बारे में बताया था, अगर किसी को उसकी कोई कंप्लेन है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो भी आप फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज देखने को मिल रहे हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।